मुद्दे इतने हैं कि हमें शर्म आती है। राजस्थान सरकार के पास, गहलोत जी के पास गंदे काम के अलावा कुछ नहीं है। और अभी तो वो शुक्र मनाए कि साधारण जनता सड़क पे नहीं निकल रही थी, तो लोकतंत्र ने इनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकती है। हम लोकतंत्र से बिल्कुल राठौड़ सर सचिवालय जाएंगे। देखिए अभी प्रदेश अध्यक्ष जो हमें आदेश देंगे वो हम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को भी झूठे ये मेरा हाथ अभी ये सूझेगा, इस पर लाठियां मारी है पुलिस वालों ने, लेकिन ये अपराधियों का साथ दे रहे हैं। आज अपराधी इनके पीछे छुपे बैठे हुए हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं ये। इन पुलिस वालों के बच्चे बेरोजगार हैं, इन पुलिस वालों के सामने अपराध हो रहा है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये तो आदेश का पालन कर रहे हैं ना, अपराधी पीछे हैं छुपे हुए। जनता सड़क पर जिस दिन उतर गई, ये तो ट्रेलर है, जिस दिन जनता उतर गई इनको हाथ से पकड़ के सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन मेरा आग्रह है जनता से कि लोकतंत्र की हिफाजत करते हुए बटन दबाकर इनको बाहर करना है। मुद्दे इतने हैं कि हमें शर्म आती है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम करा है देश के अंदर कि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेगी एक प्रधान सेवक के रूप में और उनकी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे करे हैं, वो हमें शर्मसार करते हैं। हर रोज बेटियों का के साथ दुष्कर्म होता है, हमें शर्म आती है। राजेंद्र सिंह जी, आप यहाँ पर तो जब देखिए कार्यकर्ता और मैं भी शामिल, हम कानून को नहीं तोड़ना चाहते। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, युवाओं के अंदर इतना दम है कि छोटी सी बाधा को पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लाठियां हमें भी पड़ी है, यहां मारी है उन्होंने लाठियां, लेकिन हम अपराधी नहीं बनना चाहते। एक बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में और कांग्रेस वालों, हम अपराधी नहीं बनना चाहते। ये पुलिस वाले अनफॉर्चुनेटली अपराधियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में है। हमें पुलिस से बैर नहीं है, हमें गहलोत के कुशासन से बैर है। जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा है हमें उससे बैर है। जो राजस्थान की हालत कर दी हमें उससे बैर है, और हम ये नहीं सहेंगे। हम बदल के रहेंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे इनके खुद के लोग मिले हुए होंगे, कितने जूते चप्पल आए इधर। मैं तो आगे कर रहा था पुलिस को, ऊपर देखो ध्यान दो जूतों का, मैं तो आगे कर रहा था इनको। इनमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। राजस्थान सरकार के पास, गहलोत जी के पास गंदे काम के अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान को पूरा हाहाकार और गंदगी में डालने का प्रयास किया, जिस राजस्थान में 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं और 35,000 बलात्कार के केस हुए, 1,90,000 केस जो महिलाओं पर अत्याचार के केस हुए, भ्रष्टाचार चरम पे है, पेपर लीक होता है, कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार देश में कहीं नहीं होगी जो कांग्रेस की गलत सरकार की। लगातार पेपर लीक और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों को लेकर घेरा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जब नकारा और निकम्मी सरकार होती तो कोई कदम नहीं उठाती। लाल डायरी क्या ताबूत की अंतिम कील साबित होगी? बिल्कुल बिल्कुल, लाल डायरी है वो अंतिम कील जो ताबूत की वो साबित होगी। अरुण सिंह जिन्होंने आरोप लगाया है कि एक बार फिर से सरकार के कहने पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर गंदे पानी के कार्यकर्ताओं पर बौछार की गई है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार क्या है, दलित अपराध क्या है, कार्यों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार घूम रही है, आम जनता त्रस्त है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के नेतृत्व में आज जनमानस यहाँ आंदोलन के रूप में घेराव के रूप में आ जाए, ऐसा लग रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता नहीं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता, प्रत्येक मतदाता इस सरकार को घर से हटाने का नहीं। कार्यकर्ता पहली बार ऐसा लगा मन से कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आए हैं, आम जनता ने मन तैयार कर लिया है।
मन से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जनता खड़ी है। 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है और 24 में हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा, द नगरी न्यूज, जयपुर।